हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ के ही रेडी हो गई हूँ बाजार जाने के लिए, क्योंकि आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे को स्पेशल ये है कि ऑर्गेनिक सब्जी मिलता है बाजार में, क्योंकि सिर्फ वेडनेसडे का दिन सारे ट्राइबल्स लोग आते हैं और सब्जी बेचते हैं यहाँ पे काटली चौरा में। तो वही इसी के लिए वेडनेसडे का बाज़ार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बाज़ार होता है काटली चौरा के लोगों के लिए, जिनको मेरी तरह ऑर्गेनिक खाना पसंद है। तो यह अभी हम लोग निकलने वाले हैं और फिर देखते हैं क्या क्या फ्रेश सब्जी मिलता है आज के दिन। तो चलिए चलते हैं। तो हालत देखो, काटली चौरा का बाजार गाइस, रास्ता का तो हालत खराब है, ऊपर से ये लोग किरीस किरीस। गाइस घर आ चुकी हूँ और मैं आप लोगों को मस्त सब्जी दिखाती हूँ आज का स्पेशल वेडनेसडे बाजार में। सारा ग्रीन्स ऑर्गेनिक सब्जी, ये देखो, ये है मेरा प्यारा बंडा। वाओ, ये मिलके तो मैं खुश, बाजार जाते ही मुझे और दीदी को इसका स्मेल मिल गया और हम दोनों खुश एकदम। अरे बंडा का स्मेल आ रहा है, चलो ढूंढते, बोल के फिर ढूंढ के मिल गया। उसके बाद बंडा है तो बेम्बू शूट तो चाहिए। तो ये देखो बंडा, बेम्बू शूट, किंग चिल्ली, ये नागा धनिया बोलते हैं, ये दूसरा टाइप का कोरिएंडर है, और ये है पम्पकिन, ये तो हमारा आम है, ये खाएंगे। और ये देखो, ये इसको क्या बोलते हैं मैं नहीं बता सकती, क्यूक्यूम्बर है, जंगल का क्यूक्यूम्बर बोलते हैं क्या इसको जो भी है, क्यूक्यूम्बर का दूसरा टाइप है, बट इसका अलग सा कुछ नाम होगा, आप लोग को पता है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये है पाइनएप्पल, तो गाइस बढ़िया फ्रूट्स भी ले लिया और सब्जी भी अपना मन पसंदीदा, तो मैं बहुत ही खुश हुआ, आज तो खाने में मज़ा आएगा। साथ में चिकन भी लाए हैं हम लोग, लोकल चिकन लाए हैं, तो अभी तो लोकल चिकन बनेगा और बांडा का नफलम बनेगा। ओ हो, मैं तो रास्ता में ही बांडा मिलने के बाद मुझे भूख लग गया, मैं इसको बोल रही थी भाई बांडा नफलम खाएंगे चिकन के साथ, मजा आ गया। और रात को बेम्बू शूट खाऊंगे, ओह ये सबसे ही खुश हो जाती हूँ मैं गाइस। आई एम सो लो मेंटेनेंस, मैं कितनी अच्छी हूँ, सो लो मेंटेनेंस, मतलब बस ये सब ही चाहिए और कुछ नहीं। ऑर्गेनिक खाना दे दो, फ्रूट्स दे दो, खुश बंदी बस। तो गाइस अभी मैं चिकन बनाने वाली हूँ, यहाँ पे देखो मैरिनेट करके रखा हुआ है यहाँ पे चिकन को काफ़ी टाइम से, और ढाल दूंगी थोड़ी देर में। खाना परोस दिया गया है और यहाँ पे देखिए हमारा प्यारा लीवर का चटनी, इतना टेस्टी हुआ है गाइस, मैंने टेस्ट किया था बनाने के बाद। और ये है बांडा नफलाम, आय हाय हाय, और हमारा प्यारा चिकन, लोकल चिकन, मस्त। अभी खाना खा लेती हूँ पेट भर के, फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय। गाइस अभी हो गया है शाम और इतना टाइम वक्त ही नहीं मिला खाने के लिए, आम वगैरह जो हम लोग लाए थे, तो अभी दीदी ने बनाया मतलब क्या, काटा है फ्रूट्स को। तो ये देखो पाइनएप्पल काटा है नमक मिर्ची लगा के, और यहाँ पे है आम। तो कैसा लग रहा है ये खा के, मतलब मीठा है या खट्टा है, कैसा है? थोड़ा खट्टा ही अच्छा लगता है पाइनएप्पल, इतना मीठा मुझे पसंद नहीं है। ये तो आम तो मीठा होगा, मीठा है। हाँ क्योंकि ये लेंगरा आम है गाइस, लेंगरा आम आप लोगों को पसंद है क्या बताना, आप में कौन सा आम पसंद है आप लोगों को जरूर बताइए। लेंगड़ी पसंद है या लेंगरा पसंद है, मुझे तो लेंगड़ी इसको लेंगड़ी पसंद है। और गाइस मुझे पाइनएप्पल का ये वाला पार्ट बड़ा पसंद है, बढ़िया है, टेस्टी है ना। हाँ नमक मिर्ची लगा के मस्त। अभी रात होने वाला है और हम लोग ये सब खा रहे हैं, बट इसको खाने का कोई टाइम नहीं होता, कभी खा सकते हैं। यस, और ये डाइजेस्ट करने में भी बहुत हेल्प करता है पाइनएप्पल, डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। आपने ओवर ईटिंग कर लिया तो पाइनएप्पल खा लोगे तो फट से डाइजेस्ट हो जाता है, और
कॉन्स्टिपेशन वगैरह जिन लोगों को होता है ना उन लोगों के लिए भी अच्छा है, पाइनएप्पल पपया ये सब चीज़ है, फ्रूट्स खाना अच्छी बात ही होता है। और अगर आप लोग अमरूद खाओगे ना गुआवा तो कॉन्स्टिपेशन होगा तो पहले अमरूद खाओ, कॉन्स्टिपेशन होने के बाद फिर पाइनएप्पल खाओ पपया खाओ सब निकल जाएगा। ठीक है गाइस, अभी रात है और मैं बाल कटवाने वाली हूँ दीदी से, क्योंकि दिन में एकदम टाइम नहीं मिला गाइस, बहुत बिजी थी, दोनों बिजी थे, तो अभी मैं कटवाने वाली हूँ। तो गाइस दिस इज द लेंथ राइट नाउ, अभी काट के फिर देखते हैं। ऐसा लग रहा है मेरा सर से कुछ बोझ उतर गया, इतना हैवी होता है ना बाल लंबा होने से, इतना ज्यादा हैवी। अभी ये एकदम परफेक्ट साइज है गर्मी के लिए, ज्यादा छोटा भी अच्छा नहीं लगता, इतना तो रहना चाहिए। सही है गाइस, मेरा बाल तो काट लिया है, अभी दीदी भी काटेगी बोल रही है, उसको भी मन है क्योंकि उसका बाल तो मुझसे भी ज्यादा है, मेरा भी काफी बाल है, मतलब ऐसा नहीं कि कम है, ऐसा नहीं, हेयर फॉल होता है बट ग्रोथ भी होता है, तो इसलिए मेरा काफ़ी ज़्यादा हेयर है और मेरे से डबल है दीदी का। और उसका कितना लंबा है मैं दिखाती हूँ, उसका बाल बहुत लंबा हो चुका है, तो उसको भी बहुत प्रॉब्लम होता है, ड्यूटी ड्यूटी जाना पड़ता है, नाइट ड्यूटी करना पड़ता है, तो हॉस्पिटल से आने से तो सर धोना पड़ता है, तो उसका हालत ख़राब हो जाता है बालों को संभालने में, तो संभाल नहीं पा रही। इस मेरा बाल उठा लिया है, मैं इसको लेकर जाऊँगी अपने घर। ये देखो इसका इतना लंबा, इतना ज्यादा है, इसका हेयर काट लेती हूँ, आप लोग देखो एंजॉय। देखो गाइस पीछे घूमो, देखो इसका मुझसे भी छोटा कर दिया है, मेरा तो इतना तक है अभी भी, उसका इतना छोटा कर दिया है, उसने तो इतना करने और भी करने को बोला था बट मैंने नहीं किया, इतना ज़्यादा तो अच्छा नहीं है इसलिए। सुना गाइस, नहा धो के पूरा सर वर धो के आ चुकी हूँ, प्लीज़ इग्नोर दिस, टी शर्ट लगाया है मैंने क्योंकि मेरा गमछा जो है वो सब यूज्ड है इसीलिए। तो या दैट इज इट फॉर द व्लॉग, आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज नो फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय, टेक केयर, पीस, बाय।